हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्थाज किचन। विंटर सीजन में बैगन का भरता खाने का अलग ही मजा है। सर्दियों के मौसम में मार्केट में हर तरह के बैगन मिलने लगते हैं, सब्जी वाले, कलौंजी वाले या भरता वाले। चलिए आज हम लोग बैगन का भरता बनाते हैं। बैगन का भरता खाने में जितना टेस्टी होता है, बनाने में उतना ही आसान भी है। आप इसे कम समय में झटपट तैयार कर सकती हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बैगन का भरता बनाने के लिए हमने ये दो बैगन ले लिया है। इनका छिलका उतार कर हम इन्हें कट कर लेंगे। यूं तो इन्हें खड़े भी कुक किया जा सकता है, मगर छिलकर कट करने से बैगन अंदर से खराब हो या कीड़े वगैरह लगे हों तो दिख जाते हैं। आपको पता है, बैगन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। बैगन में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कैंसर से लड़ते हैं। बैगन में कैल्शियम और पोटेशियम अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिससे यह बोन मिनरल डेंसिटी यानी हड्डियों की मजबूती को बढ़ाने में सहायक है। बैगन याददाश्त बढ़ाने में भी सहायक है। बैगन में विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ई के साथ फैटी एसिड भी पाए जाते हैं। इन तत्वों की मौजूदगी त्वचा को दाग धब्बों, झाइयों और मुहासे जैसी समस्याओं को दूर करने के साथ ही स्किन को अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बचाती है। बैगन की तासीर गर्म होती है और आप किसी भी चीज़ का सेवन संतुलित मात्रा में ही करें, अन्यथा वो फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती हैं। हम इन्हें लंबाई में कट कर रहे हैं। आप किसी भी शेप में कट कर सकती हैं। हम इन्हें पानी में डाल रहे हैं, जिससे कि ये काले ना पड़े। अब हम दो टमाटर, दो हरी मिर्च और 8 से 10 कलियां लहसुन की ले लेंगे। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकती हैं। हम इन्हें भी कट कर लेंगे। इसके बाद हम कुकर में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और सारे कटे हुए इंग्रेडिएंट्स इसमें डालकर इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसे लो फ्लेम पर रख देंगे और 3 से 4 सीटी दिला देंगे। जब तक कुकर की स्टीम निकलती है, चलिए तब तक इसका अगला प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 प्याज लिया है। हम इनको बारीक बारीक काट लेंगे। एक हरी मिर्च और 1 टमाटर भी लेकर कट कर लेंगे। स्टीम निकल चुकी है। चलिए कुकर का ढक्कन खोलते हैं। आप देख रही हैं, बैगन अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब हम इन्हें कलछी से या पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे। टमाटर के छिलके भरते में से निकाल देंगे। अब हम पैन गरम करेंगे। पैन में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। वैसे आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकती हैं, लेकिन बैगन का भरता जब सरसों के तेल में बनता है तो उसका स्वाद अलग ही होता है। ये गरम हो चुका है।
अब हम इसमें एक छोटी चम्मच साबुत जीरा डालकर चटकाएंगे, दो पिंच हींग डालेंगे। हींग से भरते में अच्छा फ्लेवर तो आता ही है, यह डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अब हम इसमें कटी हुई प्याज डालकर इसको सॉफ्ट होने तक या हल्का सा ब्राउन होने तक भुनेंगे। इसके बाद हम इसमें कटा हुआ टमाटर डालकर इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ले लीजिए। अब हम मसालों को पकाएंगे। 2 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पर मसालों को पका लिया है। अब हम बैंगन का भरता जो हमने बना रखा है उसे डालकर अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाएंगे। हम इसमें गरम मसाला और कटी हुई हरी धनिया पत्ती डालेंगे। इसके बाद आधा कप बॉइल्ड मटर डालकर मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। आप सरसों का तेल भी डाल सकती हैं।